Hello students, good morning to all. Today we will discuss about our next tissue, that is the nervous tissue. In the previous lecture, we were discussing about muscular tissue, cardiac muscle, and what is nervous tissue? That is made up of neurons. छोटे छोटे जो longest cell है आपकी body का, that is nerve cells or neurons. Okay? बहुत सारे न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स कनेक्ट होकर दैट इज दैट विल फॉर्म द नर्वस टिश्यू. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस नर्वस टिश्यू इज फॉर द कंडक्शन एंड यू कैन से ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. से आपके हैंड पर देर इज अ पिन जो है पिन चुभ गई है और यू कैन से यू हैव टच एन हॉट ऑब्जेक्ट. You will suddenly remove the hand from the hot object. Why? Why? What will happen in the what is the process behind this? So, if we touch the hot object, we will suddenly remove our hand because of nervous system. Nerves ne signal diya. नर्व्स ने सिग्नल दिया. इट मीन्स आपके हैंड में नर्व्स हैं और वो कहाँ तक पहुँच रही हैं? अप टू योर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. जो आपकी बैकबोन होती है, जो हड्डियाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी न्यूरॉन्स जो है बंडल होता है न्यूरॉन्स का, दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड. दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड. तो मेनली एक बहुत सारे न्यूरॉन्स, एक फ्रॉम वन न्यूरॉन टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड. सेम एग्जांपल आपके पास जो है देर आर फोर जो है स्टूडेंट्स हैं. आपको फर्स्ट से आपको मैसेज ट्रांसफ़र करना है फोर्थ के पास और फर्स्ट के पास मैसेज है. तो फर्स्ट सेकंड को ट्रांसफ़र करेगा, सेकंड थर्ड को करेगा एंड फाइनली इट विल बी अप टू योर फोर्थ वन. ठीक है. तो सिमिलरली न्यूरॉन्स नर्व सिग्नल्स पहुंचाती हैं और उन नर्व सिग्नल्स को हम बेसिकली इन टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इम्पल्सेस. से एन एग्जांपल देर इज इलेक्ट्रिक वायर, एक जो है इलेक्ट्रिसिटी वायर है. तो इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर करंट जो है ट्रांसफ़र होता है. सिमिलरली ऐसे ही न्यूरॉन्स के थ्रू जो है इम्पल्सेस और मैसेजेस जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं कि आपको क्या करना है. यू आर राइटिंग बिकॉज यू हैव मैसेज फ्रॉम योर ब्रेन. यू आर वॉकिंग, यू आर रनिंग, देर इज मैसेज फ्रॉम योर ब्रेन दैट इज़ फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. सो नाउ द स्ट्रक्चर और द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुँचाने का काम नर्वस या नर्व सेल्स काम करते हैं. ठीक है. इम्पल्स क्या है? वो सिग्नल जो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक जो सिग्नल पहुंचता है, दैट इज़ इम्पल्स. अब एक न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिए. सी द डायग्राम वेरी केयरफुली, देन यू विल कम टू नो वॉट इज हैपनिंग. सो फर्स्ट इज नर्व एंडिंग्स. नर्व एंडिंग्स बिल्कुल न्यूरॉन. न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल. Okay, just remember it. You have already studied this in the cell chapter. तो nerve endings क्या है? Nerve का last वाला part, that is end terminal part. ठीक है. और ये जो bulb like structure है इनको हम बोलते हैं knob, KNOB, knob. Okay. So next part is cyton or cell body. जो दिस स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर इज द सेल बॉडी. इस सेल बॉडी के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं? फर्स्ट वन इज नेजल्स ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स. इन पार्टिकल्स का काम क्या है? दे हेल्प द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं. सेकेंड वन इज द फ्लूड प्रेजेंट इन साइड द सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द फ्लूड. ओके. नेक्स्ट वन इज द सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, जो पूरे सेल को कंट्रोल करके रखेगा. तो साइटोन और सेल बॉडी, ये पूरी सेल बॉडी है. तो सेल बॉडी के पास क्या क्या चीज़ें हैं? वन इज द न्यूक्लियस, सेकेंड साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज नेजल्स ग्रैन्यूल.
और न्यूरॉन के पास क्या पार्ट है? सेल बॉडी से कनेक्टेड डेंड्राइट्स, ठीक है। तो सेल बॉडी से जो कनेक्टेड है दैट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ऐसे छोटे छोटे ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल बॉडी से अराइज हुए हैं, ब्रांचिंग है। ये ब्रांचिंग ही सिग्नल्स को सबसे पहले जो है स्टिमुलस हम बोलते हैं जिसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलस से एन हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोई पिन है तो हमें स्टिमुलस मिला, एक हमें लाइक एन हिंट मिला। लाइक आपकी आईज में एकदम से आँखों में जो है तेज लाइट पड़ती है, हाई इंटेंसिटी लाइट, एंड यू विल जस्ट क्लोज योर आईज। तो लाइट, हाई इंटेंसिटी लाइट क्या होगी? इट इज़ द स्टिमुलस, ठीक है। और आपकी आईज का क्लोज होना दैट इज रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स किसने बोला? न्यूरॉन्स ने बताया आपको, आपके ब्रेन ने बताया कि आपको आईज क्लोज करनी है। या फिर आप सिमिलरली बोल सकते हो स्पाइनल कॉर्ड के पास कुछ सिग्नल्स जो है स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, तो डेंड्राइट्स क्या है? सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए है। एक्सॉन, दिस पार्ट, दिस लॉन्गेस्ट पार्ट इज द एक्सॉन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ओके, आई हैव लेबल्ड। बट इसके ऊपर सर्टेन कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इट इज नोन एज माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, और यू कैन से इट इज द कवरिंग। कवरिंग, कवरिंग किसके ऊपर है? जैसे आप बोलते हैं ना, एक तो खाली वायर है, एक तार है, लेकिन इस तार के ऊपर कुछ आपने वायरस देखे होंगे, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का कवर होता है, ठीक है, ताकि करंट ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है कहीं कहीं पर जो है स्पेशल कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज माइलिन शीथ। और दिस इज नोन एज नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। इतना ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है। सो दिस इज़ द ऑल स्ट्रक्चर अबाउट। तो सिग्नल इम्पल्स ट्रांसमिशन कहाँ से होती है बेटा? सिग्नल कैसे जाएगा? डेंड्राइट टू सेल बॉडी, सेल बॉडी टू एक्सॉन, एक्सॉन टू नर्व एंडिंग, फिर अगेन एक और न्यूरॉन होगी, फिर उसमें भी ऐसे रिपीट होगा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन या नर्व एंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, दैट इज लास्ट टॉपिक, नर्वस टिश्यू, ओके। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर, एंड आफ्टर दिस बेटर जस्ट गो थ्रू द नोट्स, गो थ्रू द वीडियोज प्रोवाइडेड टू यू, एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ब्लू प्रिंट क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।